इस 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है, 1 1/8 माइनस ब्रैकेट में फिर माइनस का 5/8। इसको पहले हमने इस वाले माइनस को इस वाले माइनस से मतलब मल्टीप्लाई करना है, ये ब्रैकेट का मतलब है। 1/8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, ब्रैकेट खत्म कर देंगे, 5/8। अब इसको प्लस करना है, प्लस में हम क्या करते हैं कि दोनों का एलसीएम लेते हैं नीचे वाले दोनों, क्योंकि 8 है, अगर इस तरह से करें 8 और 8 करें तो 8 1 1 सिर्फ 8 आएगा। 8 को जब 8 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा, 1 को 1 से करेंगे, 1 प्लस 5, 5 प्लस 1 6/8, क्योंकि ये दोनों आपस में कटते हैं तो काट देंगे, 2 3 6 2 4 8 3/4 इसका आंसर है। अब पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, माइनस का 19/100 और प्लस का 77/100। इसका सबसे पहले एलसीएम लेना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का एलसीएम लेना है हमने, माइनस का 19/100 प्लस 77/100 का, क्योंकि दोनों के नीचे 100 है तो यहाँ पे लिखेंगे 100। ये वैसे लिख देंगे, माइनस का 99 और प्लस का 77, क्योंकि जब हम 100 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा। जो आंसर आता है उसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, तो उसका आंसर 1 आया था। 1 को जब 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 ही आएगा, इसी तरह 77 भी। अब ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये क्योंकि माइनस का बड़ा है इस तरह प्लस का 77, मतलब जमा नफी नफी होता है ना, तो माइनस करेंगे इसको, इस 77 को 99 से, 99 में से 7 गया है तो 2, 9 में से 7 गया है 2, माइनस का 22 इसका आंसर है, माइनस का 22, क्योंकि ये माइनस वाले डिजिट से बचा है इसलिए इसके साथ बड़ा था ना 99, तो इसके साथ भी नेगेटिव लगा ही रहेगा। अब ये 22 और 100 कटते हैं तो इसे काट देंगे, 2 1 2 2 1 2 2 5 10 0 11/15 15 इसका आंसर है। ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, 3/4 प्लस का 4/3। अब सबसे पहले हमने इसका एलसीएम लेना है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के मुख्तलिफ हैं नीचे वाले, इस तरह से रफ अमर में करेंगे, 4 और 3 का, 2 2 4 3 का 3 2 1 2 3, मतलब 2 2 4 4 3 12, इनका एलसीएम आएगा 12। 4 को जब 12 पे डिवाइड करेंगे, 4 3 12 आता है ना, तो ये वाला जो 3 है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 प्लस, अब 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 4 12 आता है ना, इस वाले 4 को इस वाले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16, 16 और 9 कितने होते हैं 25, 5 6 और 9 होते हैं 15, और ये 1, 25/12। अब क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है तो इसे डिवाइड करेंगे 25 को 12 पे, 12 2 24 होता है ना, तो 1 बचेगा, 2 से ही 1/12 12। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, 1/5 माइनस 3/20। अब इसका एलसीएम लेंगे पहले, 5 और 20 का, 5 1 5 5
5, 4, 12, 20, अब ये तो 2 पे जाएगा, 2 to the 4, 2 1 the 2, 2 to the 4 और 4 multiply 5, 4, 5, 20 आएगा, 20 ये वाला। अब इसे रेज कर देंगे, ये रफ फॉर्मल था। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 1/5 - 3/20। जब किसी क्वेश्चन को हल करते हैं ना, तो सबसे पहले ये इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं यहाँ पे। इसका एलसीएम लिया, 20 आया। 20 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आएगा 4। जिस तरह ये देखो, 5, 4, 20। इस वाले 4 को इस वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4, 1, 4 माइनस, यहाँ पे तो 20 है, और इसका आंसर जब 20 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आएगा। जब 4 में से 3 गया तो 1 बचा, 20, 1/20 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 प्लस माइनस का 1 प्लस ब्रैकेट है, फिर माइनस का 49/50। अब हम ब्रैकेट को खत्म करने के लिए प्लस और माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस माइनस, ये देखो, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है। इस तरह प्लस माइनस है यहाँ पे, तो इसका आंसर ये आया था, माइनस माइनस यहाँ पे लिखाएंगे, ये हमने रफ फॉर्मल किया है। अब माइनस का 49/50, इन दोनों का भी वैसे एलसीएम लेना होता है प्लस माइनस करते हुए, तो इसके नीचे तो है ही कुछ नहीं, ऐसे समझे कि इसके नीचे 1 है, तो हम पहले इक्वल टू का साइन लगाएंगे, 50, 51, 50, इसके नीचे भी ऐसे समझो 1 है। माइनस का 49, 50 में से 49 गया तो 1 बचता है ना, वन ओवर 50, ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, 1 प्लस 11/100, इसको हमें प्लस करना है। इसके नीचे तो 100 दिया हुआ है, इसके नीचे कुछ नहीं दिया हुआ, हमें एलसीएम लेना होता है, समझो इसके नीचे भी 1 है। 100 और 1 को जब एलसीएम लेंगे तो 100 ही आएगा ना, 100, तो जब इसको 100 पे डिवाइड करेंगे, मतलब तकसीम करेंगे, तो इसका आंसर 100 ही आएगा, और 100 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 100 ही आएगा। प्लस यहाँ पे तो ऑलरेडी पहले का ये वाला है पड़ा, तो 11 का 11 ही लिख देंगे, 11। और इस वाले 100 को जब प्लस करेंगे, ये देखो, 100 प्लस 11, 1 का 1 आया, 1 का 1 आया, 1 11 आएगा, 100। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है, 1 11 को 100 पे, 100 1 द 100 11, 1 से 11/100 आएगा इसका आंसर, 1 से 11/100 ये इसका आंसर है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 है, 1/11 + (-5/11) + (10/11), इन तीनों को हमने प्लस माइनस करना है आपस में। जब प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट को खत्म करने के लिए, तो प्लस माइनस माइनस आता है, माइनस का 5/11 लिखेंगे, और ये तो 10/11। अब तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों क्योंकि एक जैसे हैं तो एक ही एलसीएम आएगा इनका, 11, 1 - 5 + 10। जब नीचे एक जैसा हो तो फिर ऊपर वाले वैसे ही लिख देते होते हैं, 1 - 5 और + 10, मतलब ये दोनों प्लस के हैं और ये माइनस का है। 11 में से जब 5 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 11 में से 5 निकालेंगे, 6/11 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 है हमारे पास,
13 by 23 माइनस का 10 बाय 23 प्लस का 4 बाय 23। अब सबका एलसीएम लेंगे क्योंकि सारे एक ही जैसे हैं, तो एलसीएम दूसरे तरीके से लेने की जरूरत ही नहीं है। 23 लिख देंगे हम यहाँ पे, 23 के ऊपर है 13, वैसे ही लिखेंगे 13 माइनस का 10 प्लस का 4। क्वेश्चन भी आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, 13 ओवर 23 माइनस 10 ओवर 23 प्लस का 4 ओवर 23। अब सबको प्लस माइनस करेंगे, ये 4 और 13 प्लस के हैं और ये वाला माइनस का है 10। 4 और 13 17 हो जाता है, तो प्लस का 7 बचेगा, प्लस का 7 बाय 23, ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर टू का क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट नंबर 8 है हमारे पास। माइनस का 1 बाय 2 प्लस ब्रैकेट और माइनस का 1 बाय 5 प्लस का 9 बाय 10। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस का 1 बाय 2 प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है तो 1, माइनस का 1 बाय 5 प्लस का 9 बाय 10। अब इन सब का एलसीएम लेंगे, ये दो तीनों मुख्तलिफ हैं तो हम इनका एलसीएम लेते हैं, 2, 5 और 10। 2 वन द 2, 5, 2, 5 द 10, 5, 5 वन द 5, 5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 5, 2, 10। जब 2 को 10 पे डिवाइड करेंगे, 2, 5, 10, इस वाले 5 को इस वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 5, ये माइनस का है, 5 को 10 पे डिवाइड करेंगे, 5 को 10 पे, 5, 2, 10, इस वाले 2 को इस वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस है तो माइनस लगा देंगे, प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, 2, 1, 2, इस वाले 10 को जब इस वाले 10 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9, 1, 9। अब इन सारे को प्लस माइनस करेंगे, ये दोनों माइनस के हैं और ये वाला प्लस का है, 5 और 2 करेंगे इनको प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो करेंगे प्लस ही, लेकिन इन इसके साथ ना अलामत जो है, साइन जो है वो नेगेटिव रहेगा, क्योंकि बड़े वाले डिजिट के साथ नेगेटिव का साइन लगा हुआ है, इसलिए ये प्लस का है 10। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, जमा नफी नफी करते हैं लेकिन प्लस का साइन रहेगा क्योंकि बड़े के साथ साइन प्लस का है। हम प्लस माइनस को करते हुए पहले इन अलामत को आपस में जरब देते हैं कि क्या करना है, प्लस करना है माइनस करना है, और साइन किसी भी डिजिट के साथ लगाते हुए हैं जो बड़े वाले डिजिट के साथ जिसमें से बच रहा होता है ना उसी वाला साइन लगाते हैं। तो यहाँ से 2 बचेगा, प्लस का 2 बड़ा 10, 2, 5, 10, 1 ओवर 5 आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 10 है हमारे पास। 1 बाय 8 प्लस का 1 बाय 9 माइनस का 15 ओवर 18। इन सब का सबसे पहले एलसीएम लेंगे इस तरह से, 8, 9 और 18 का, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले 2 पे करेंगे, 2, 2, 4, 8, 9, 9 का 9 ही आएगा, 2, 9, 18, फिर 2 पे लेंगे क्योंकि ये 2 पे जाता है, 2, 2 दूनी 4, 9, 9, 2, 1, 2, 9 और 9, 3, 3, 3, 9, 3, 3, 9, 3, 1, 3, 3, 1, 3, पहले 3, 3, 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 42, 42 नहीं आएगा, 36 दूनी 3, 3, 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 भी होता है, 2, 8, 16, 2, 1, 2 और 1, 3, हाँ 36 ही होता है, 36, 2, 2, 6, 18, 2, 6, 12,
दो तीन छह और 172, 36 दोनों 72, 72 इनका एलसीएम आया है। अब इस वाले 8 को 72 पे डिवाइड करेंगे, 72 आठ नौ बहत्तर होता है, 8 9 72, ये 9 आया है और ये 1 है, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा प्लस का। अब 9 को 72 पे जब डिवाइड करेंगे 9 8 72, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 18, 18 को 72 पे डिवाइड करेंगे 18, इस तरह बार ही हम देखे देख लेते हैं, 18 2 36, 36 2 72, मतलब 2 और 3 18, 4 8 32, 3 हासिल, 4 1 4 और 3 7, 18 4 72, 18 4 72, 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 को 15 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 60 आया इसका, 60। अब इस वाले सारे को रिलीज कर देती ये, क्योंकि रफ फॉर्म था ये वाला, सिर्फ अकेला ये वाला ना नेगेटिव है, बाकी सारे बाकी दोनों पॉजिटिव है। 8 और 9 को जमा करना है, 8 और 8 16 होते हैं और 1 17, 17 माइनस का 16, 72 नीचे आएगा। अब 60 में से 17 को निकालना है, माइनस का है ये, नहीं ये वाला माइनस का है और ये वाला प्लस का है, माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस आता है ना, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा क्योंकि ये वाला बड़ा है। 10 में से 7 किया है, 3 5, एक हाउसिल इसको दिया था ना, तो यहाँ पे 5 बचे, 5 में से 1 किया तो 4, माइनस का 43, माइनस का 43 ओवर 20, 72 आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 11 है हमारे पास, माइनस का 13, माइनस का 3/4, माइनस का 5/8, 6, माइनस ब्रैकेट माइनस का 17/8। पहले हम इस ब्रैकेट को खत्म करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस 3/4, माइनस का 5/6, माइनस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा यहाँ पे, प्लस का 17/8। इन तीनों को हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के लिए 4, 6 और 8, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 4 द 8, 2 1 द 2, 3, 2 2 द 4, 3 2 1 द 2, 3, 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24, 24 एलसीएम आएगा इसका, 24, 24 को 4 पे डिवाइड करें, 4 पे 4 6 24, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18, माइनस का माइनस लगेगा, 6 4 24, इसको जब 6 को जब 24 पे डिवाइड करेंगे तो 6 4 24, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 20, प्लस 8 3 24, 3 को 17 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 7 21, 3 1 3 और 2 5, 51 आएगा यहाँ पे। अब ये दोनों माइनस के हैं और ये प्लस का है, पहले इन दोनों को जमा कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो 20 माइनस का और 18 इनको प्लस करेंगे, 8 का 8 आएगा और 2 और 1 3, माइनस का 38, माइनस का 38 प्लस का 51, प्लस का 51 डिवाइड बाय 24, 51 में से अब 38 को बाहर निकालेंगे, प्लस माइनस माइनस करना होता है ना, 11 में से 8 गए, 11 में से जब 8 जाएंगे तो 6 बचेंगे ना, 8 जाएंगे तो 3 बचेंगे, और इसने तो इसको हासिल दिया था
यहाँ पे फोर, फोर में से थ्री गए वन, ये प्लस का साइन आएगा क्योंकि ये बड़ा है प्लस वाला, तो प्लस का साइन आएगा 13 के साथ। प्लस का डिवाइडेड बाय 24, ये इसका आंसर है। ये पार्ट नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट नंबर 12, लास्ट पार्ट। वन ओवर 11 प्लस का 11 ओवर 10 प्लस ब्रैकेट माइनस का 22 ओवर 5। पहले ये ब्रैकेट खत्म कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 ओवर 11 प्लस का 11 ओवर 10 10 प्लस माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जमा नफी नफी 22 ओवर 5। सबका एलसीएम लेंगे 10 5 और 11 का, 10 5 और 11। पहले छोटा छोटे पे डिवाइड करते हैं ना, 5 11 तो होता नहीं है इस पे, 5 2 10 5 1 5 2 पे 2 1 तो 11 पे, अब 11 11 दो 22 और 22 5 5 2 10 5 5 2 10 और 11 110, 110 इसका एलसीएम है। 110 यहाँ पे लिखेंगे। अब 110 को जब 11 पे डिवाइड करेंगे, 11 10 110 होता है ना, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 10 10 1 10 प्लस 10 11 110, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा इसका। माइनस 5 को जब 110 पे डिवाइड करेंगे, 110 को 5 5 2 10 5 2 10 आना है यहाँ पे, एक बचेगा 5 2 10 22 22 5 22 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूने 4 2 दूने 4 सिर्फ 2 दोने चार और दो दिन चार, चार आठ चार, 484, 484 यहाँ पे लिखेंगे। ये सिर्फ नेगेटिव का है और ये दोनों पॉजिटिव के हैं, पहले पॉजिटिव वालों को आपस में जमा कर लेते हैं। 10 को जब 21 में जमा करेंगे तो ये 31 हो जाएगा, 131 माइनस का 484 और 110, माइनस का 484 और प्लस का 131। इसको माइनस करेंगे ना, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 1 गया 3, 8 में से 3 गया 5, 4 में से 1 गया 3, 353 माइनस का आएगा क्योंकि ये बड़ा है माइनस वाला, माइनस का 353 ओवर 110। ऊपर वाला बड़ा है तो डिवाइड करेंगे 110 पे, माइनस माइनस अभी नहीं लिखते हो, 110 110 की बार 2 पे देते हैं, 2 सिफर सिफर 2 2 2 1 2 छोटा है, 3 3 सिफर सिफर 3 है 3 3 है 3 यही लिख देते हैं, 4 पे बड़ी हो जाएगी, 3 पे बारी है 330, 3 330, 3 5 में से 3 गया 2, 3 सही 23 बटा 110 माइनस का 3 सही 23 बटा 110। जब ऊपर वाला बड़ा हो और नीचे वाला छोटा हो तब डिवाइड करते हैं, अगर नीचे वाला बड़ा हो ऊपर वाला छोटा तब नहीं डिवाइड करते, ये इसका आंसर है।